अगर उसकी वैल्यू जो थी वो थ्री से बड़ी आ रही थी तो देर वॉज देर वॉज फार्मूला जिसके थ्रू हम क्यू फंक्शन कैलकुलेट करते थे और अगर वो थ्री से छोटी आ रही होती थी तो हम एक टेबल बी पॉइंट वन दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ योर बुक वो फॉलो करते थे फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एट अ गिवन एक्स और इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी निकाला जा सकता था कि वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ़ एरर इन द डिज़ाइन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम Uh, इसके अलावा हमने ई बी बाई एन नॉट का देखा कि नॉर्मलाइज एस एनआर इन डिजिटल और फिर उन्होंने ये चेक किया कि किस तरह सिग्नल की एनर्जी और बिट की एनर्जी में डिफरेंस होता है स्पेशली तब जब आप एक ही सिग्नल पर मल्टीपल बिट्स जो हैं सुपर इम्पोज कर रहे होते हो ओके सो वी स्टडीड ई वी बाई एन नॉट एज नॉर्मलाइज एस एन आर इन डिजिटल सिग्निफिकेंस ऑफ ई वी बाई एन नॉट भी हमने स्टडी किया था कि ई वी बाई एन नॉट बिट एनर्जी पर नॉर्मलाइज पॉर्स खासतौर पर तब uh, जरूरी होती है दैट uh, जब आपके पास आप वेरियस बिट्स को एक सिग्नल पे सुपर इम्पोज करने लगते हो चूंकि बिट जो है आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है तो बिट की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है विद इन द सिग्नल एनर्जी जिसमें हमने लास्ट टाइम स्टडी भी किया था कि बिट एनर्जी हाफ हो गई थी जब आप एक सिग्नल पे दो बिट्स जो हैं वो सुपर इम्पोज कर रहे थे तो या मैप कर रहे थे तो इस केस में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के केस में एस एन आर की ट्रू एसेंस जो है वो बिट एनर्जी से रिलेटेड है रादर देन सिग्नल एनर्जी तो हमने देखा था कि किस तरह बिट एनर्जी पर नॉर्मलाइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से आपको ये पता चलता है कि कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा फीसिबल uh, है और हमने ये कंक्रूव भी किया था कि ज़्यादा डेटा रेट जो है वो ऑफर कर रहा था वन जीरो टू फोर एमरी पाम इफ इवन फॉर बोथ द सिस्टम्स बाइंड्री डिजिटल कम्युनिकेशन एंड वन जीरो टू फोर एमरी पाम एमरी सिग्नल दोनों के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट रेट और सिंपल एनर्जी पर नॉर्मल पर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वो सेम थी टुडे लेक्चर आप यूज करते हो जिसका काम ये होता है कि जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है उसे बेस्ट पॉसिबल एस एन आर के साथ रिसीव कर सके इट इज यूजली इन्वॉल्व इन री मॉड्युलना है हमने कि अगर आपने कोई फिल्टर लगाना है of course, match filter filter. Filter, मैंने आपको बताया है कि उसका एक रिस्पॉानस होता है जिससे वो फ्रीक्वेंसीज को अटानुएट या एम्पलीफाई करता है और इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि मैच फिल्टर हमारा टारगेट ये है कि हमने सिग्नल को मैक्सिमम एस एन आर नॉर्मलाइज एस एन आर ई वी बाई एंड नॉट से रिट्रीव करना है तो ये हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम एस एन आर होना चाहिए तो हम ये पता लगाते हैं उस टारगेट से कि फ़िल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि हम क्या इम्पल्स रिस्पॉन्स मैच फिल्टर का रखें कि हमारे पास रिसीव सिग्नल जो है वो मैक्सिमम एस के साथ रिट्रीव हो ठीक है तो एनालिसिस के थ्रू हमने ये प्रूव करना है लेट सी ओके सो मैच फिल्टर जो है दिस इज लीनियर टाइम इन वेरियंट फिल्टर मैच फिल्टर का अगर देखा जाए तो इट्स अ लीनियर टाइम इन वेरियंट फिल्टर ये जो रिस्पॉन्स आएगा इसका एच ऑफ टी दैट विल बी लीनियर ट लीनियर का मतलब फिल्टर की अभी हम फाइंड आउट करेंगे क्या रिस्पॉन्स इक्वेशन आती है जो भी इसकी रिस्पॉन्स इक्वेशन आती है इट्स गे द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ टाइम वेरियंस का आती है जब अगर ये फिल्टर जो है टाइम वेरिएंट होता उसका ये, उसका मतलब ये मतलब होता कि एट अ गिवन टाइम इसका एक रिस्पांस है फिर कैलकुलेट तो तो so so, कर लो एच टी और वही थ्रू आउट चलेगा सो इट्स टाइम इन वेरियंट फिल्टर नेक्स्ट टारगेट क्या है इसका मैक्सिमम पॉसिबल एस एनआर एट आउटपुट फॉर रिसीव सिंबल वे फॉर्म जो भी सिंबल ये रिसीव करता है ठीक है यहाँ पर जो भी रिसीव सिग्नल ये ऑप्टेन करता है इसका टारगेट ये है सो so, इसका ये टारगेट है कि ये जो भी रिसीव सिग्नल है उसको मैक्सिमम एस के साथ रिसीव करने की कोशिश करता है ठीक है सो मैक्सिमम पॉसिबल एस एट द आउटपुट ऑफ रिसीव सिंबल वेफॉर्म जो भी सिग्नल जो इसने रिसीव किया है यहां पे वो सिग्नल की पावर रेशो नॉइज की पावर मैक्सिमम रखने की कोशिश करेगा दैट्स वट इट्स टास्क इज कि ऐसा फिल्टर हो जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे एस कंपेयर टू नॉइस अब हमने ये फिल्टर डिजाइन करना है ऐसा फिल्टर डिजाइन करना है और इसका हमने रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल रिस्पॉन्स द रिस्पॉन्स ऑफ सच अ फिल्टर लुक्स लाइक ये डायग्राम हमने लास्ट टाइम भी स्टडी की थी मैं दोबारा रिवाइज करवा कर देती हूँ ताकि चीज़ें समझ पड़ जाए कि अगर आपके पास एक ट्रांसमिटेड सिग्नल है एस आई ऑफ टी अगर उसमें आप नॉइज ऐड करते हो इन ए डब्ल्यू जी जी एन चैनल दैट मीन्स द नॉइज इज वाइट इट्स एरेट एडेड इट हैज़ ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन फ्रीकुंसी रूमेन क्वेश्चन बिकॉज एट एनी टाइम वट विल टेक that is a gaussian random variable so when the transmitted signal gets added with additive white gaussian noise the received signal here r of t is equal to si of t plus n of t this is also a gaussian random variable okay? at a given instant it's also a gaussian random variable or for a given time it is a gaussian random process एक इंस्टेंट कंसिडर करो तो क्वेश्चन सिग्नल जो है इट्स बी अभी क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल और अगर पूरी ड्यूरेशन के लो टाइम के लिए कंसिडर करो इट्स बी गन अभी रैंडम प्रोसेस ये क्वेश्चन रैंडम प्रोसेस जो है इस मैच फिल्टर से पास होता है तो आपके पास एक और रिसीव सिग्नल आता है z ऑफ t इज equals टू a आई ऑफ t प्लस n ऑफ t वेयर a आई ऑफ t इज द सिग्नल पार्ट जो भी सिग्नल का हिस्सा था जो कि मैच फिल्टर से पास हुआ है a आई ऑफ t रिप्रेजेंट्स द सिग्नल पार्ट ऑफ r ऑफ t एंड n ऑफ t रिप्रेजेंट्स द नॉइज पार्ट ऑफ रिसीव सिग्नल n ऑफ t मैच फिल्टर से पास होने के बाद इसकी क्वेश्चन ये हो गई

आपके पास सैंपल है सिग्नल का जाहिर है जब आप इसका सैंपल लोगे तो z ऑफ स्मॉल t t स्मॉल t मीन टाइम टी वो बन जाएगा अ सिंगल अलंपल कैपिटल टी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे सैंपल आ जाएगा टी इज टू कैपिटल टी पर सैंपल आ जाएगा जेड ऑफ टी अब इस सैंपल में सिग्नल का पार्ट भी होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए आई और नॉइज का पार्ट भी होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एन नॉट उसके बाद आप यहाँ पर डिटेक्शन देखते हो डिटेक्शन में आप ये चेक करते हो कि सिग्नल जो है एक पार्टिकुलर थ्रा छोट से ऊपर है या उससे नीचे है अगर उससे ऊपर है तो इट्स वन ऑफ़ द ट्रांसमिटेड सिग्नल अगर नीचे है तो इट्स द सेकेंड ट्रांसमिटेड सिग्नल उसकी थ्रू आप जो डिकोडिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देते हो और आपको एस आई टी ट्रांसमिटेड सिग्नल वापस मिल जाता है सो अभी इस मैच फिल्टर का काम क्या है कि एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग एट रिसीवर एट टी इज इक्वल टू टी इस इंस्टेंट पे यहाँ पर ठीक है जब आपके पास आफ्टर सैम्पलिंग Z ऑफ कैपिटल T ऑप्टेन हुआ है मैच फिल्टर का टारगेट ये है कि इस पॉइंट पर एस एन आर जो है वो मैक्सिमम रहे। इन अदर वर्ड्स एस एन आर इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्नल टू नॉइज रेशो पहले सिग्नल पावर डिवाइड विद नॉइज पावर Uh, whole at time t because you can consider it k sampling interval sampling instant drop layer over t is equals to capital t so signal to noise ratio at capital t at time instant t is equal to signal amplitude whole square divided with noise power which is represented by uh, which is represented as so signal to noise power signal पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू ए आई होल स्क्वायर और नॉइज की पावर जो है आपको मालूम है कि नॉइज की पावर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेरिएंस स्क्वायर अपना लेक्चर देख लो लेक्चर इट वाज बेस्ड ऑन इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन नॉइज जिस पर हमने स्टडी किया था जो